नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 से पहले तीन कंफर्म ट्रेड जो ऑक्शन से पहले आईपीएल टीमों द्वारा किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, इस सीजन का पहला ट्रेड मुंबई इंडियंस ने मयंक मार्कंडे को दिल्ली कैपिटल्स को देकर और दिल्ली कैपिटल्स से सरफिन रदरफोर्ड को लेकर किया था। इसके बाद कई खबरें आने लगी कि अब आईपीएल टीमों द्वारा कई खिलाड़ियों का ट्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको यहां पर बताएंगे उन कंफर्म तीन खिलाड़ियों के बारे में जिनका ट्रेड करना आने वाले टाइम में आईपीएल 2020 से पहले ही पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम है अजिंक्य रहाणे का, जिनकी न्यूज़ ट्रेड करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी थी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान इनकी टीम द्वारा नहीं किया गया है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि दिल्ली कैपिटल्स टीम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके अजिंक्य रहाणे को अपने साथ जुड़ना चाहती थी और इस विषय पर उसकी रॉयल्स के साथ बातचीत भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों टीमों द्वारा कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एजेंसी से बात करते हुए सूत्रों ने बताया था कि इस संबंध में दोनों फ्रेंचाइजी टीमों के बीच बातचीत जारी है और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आईपीएल 2020 सीजन में रहाणे को दिल्ली के खिलाड़ी के रूप में मैदान में देखा जा सकता है। सूत्र ने कहा था कि हाँ, दिल्ली कैपिटल्स रहाणे को अपने साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन यह अभी कहना जल्दबाजी होगा कि इस करार में सब कुछ सही होगा। कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि रहाणे सालों से राजस्थान टीम के लिए खेलते आए हैं और एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। वैसे बातचीत जारी है, लेकिन दोस्तों अभी तक रहाणे के ट्रेड से जुड़ी हुई फिर से कोई भी खबर नहीं आई है, लेकिन ये खबर जो थी बिल्कुल सही थी और दोस्तों ये आगे चलकर काफ़ी हद तक कंफर्म भी हो सकता है अगर दोनों टीमों के बीच इस डील की बातचीत हो जाती है तो ही। दोस्तों, जैसे ही इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आती है हम आपको बता देंगे। इसके बाद दोस्तों, दूसरी खबर जो आई है ट्रेड को लेकर वो है किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन को लेकर। दोस्तों, आजकल ये खबर काफ़ी चर्चा में है जहाँ पर ये माना जा रहा है कि अश्विन को पंजाब की टीम दिल्ली कैपिटल से ट्रेड कर सकती है। अश्विन पिछले दो साल से आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं। उम्मीदों के मुताबिक उनकी टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और पिछले सीजन तो अश्विन कई विवादों का भी हिस्सा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, मुंबई मिरर की खबरों की माने तो अश्विन को इस आने वाले सीजन में पंजाब अपनी टीम की कप्तानी से ही नहीं बल्कि टीम से भी बाहर कर सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि पंजाब दूसरी टीमों से अश्विन को ट्रेड करने पर विचार कर रही है। खबरों की माने तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान की टीम ने उन्हें अपनी टीम में जगह देने की इच्छा जताई है। वहीं दोस्तों, खबरों की माने तो राजस्थान की टीम कृष्णप्पा गौतम की जगह अश्विन को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में ले सकती है, लेकिन दोस्तों ये खबर बिल्कुल सही है और आगे चलकर हो सकता है कि जल्द ही इस फैसले पर भी कोई आधिकारिक ऐलान हो जाए। दोस्तों, इसके बाद तीसरी ट्रेड की न्यूज़ जो आ रही है वो है केकेआर के लॉकी फर्ग्यूसन को लेकर, जिन्हें केकेआर की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकी फर्ग्यूसन को आईपीएल 2019 में केकेआर की टीम ने खरीदा था, लेकिन इस सीज़न उनकी गेंदबाजी नहीं चली। हालाँकि आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की। दोस्तों, बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि लॉकी फर्ग्यूसन केकेआर की फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि केकेआर की टीम फर्ग्यूसन को सीएसके की टीम के साथ ट्रेड कर सकती है। दोस्तों, भले ही इस खबर पर भी अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेड भी आगे चलकर पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो तीन पॉसिबल कंफर्म ट्रेड को लेकर जो आने वाले टाइम में हो सकते हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।